जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप PF का पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं। 2023 में नया तरीका है, बहुत सारा चेंज हुआ है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देरी नहीं करते हुए चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सब कुछ क्रोम ब्राउज़र से ही बताता हूँ, क्योंकि सबके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होता है, मैं मोबाइल से ही बताता हूँ। तो क्रोम ब्राउजर है ये रहा, तो इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा। अगर आपका ये पेज आएगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर थ्री डॉट है उस पर क्लिक करके और न्यू टैब जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिएगा, तो आपका ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ सर्च बार पर आपको क्लिक कर देना है और ऊपर सर्च बार में लिखना है EPF, इतना ही लिख करके आपको सर्च कर देना है। ये ऊपर भी आ जाता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये नेक्स्ट पेज ओपन है आपका हो जाएगा। तो आपका पहले यहाँ पे मेंबर पासबुक नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप अपना पासबुक चेक कर सकते हैं। आता है EPFO पासबुक, कभी क्लेम स्टेटस पासबुक रहता है, लेकिन आपको पासबुक ज़रूर लिखा दिखाई पड़ेगा। तो इस पर आपको मेंबर पासबुक जो है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पेज खुला, तो यहाँ पर भी चेंज हुआ था। पहले आता था, मैं स्क्रीन नंबर दिखा दे रहा हूँ, ऐसा आता था, कैप्चा आपको प्लस माइनस में करके आपको लिखना पड़ता था, लेकिन अभी आपको ये वाला कैप्चा है ये चेंज हुआ। अगर ये वाला कैप्चा आपको नहीं समझ में आता है तो इस सिंबल के निशान पर क्लिक करके ये कैप्चा आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अपना 12 अक्षर का यूनियन नंबर डाल देता हूँ, आप भी डाल दीजिएगा। उसके बाद में पासवर्ड डालना है। तो 2023 में आप अगर नया पासवर्ड नहीं बनाए तो आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। नया पासवर्ड भी कैसे बनाना है वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है, तो वो देख करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद में मैं सब कुछ लिख देता हूँ। उसके बाद में नीचे हरे कलर का है, लॉगिन का बटन है, देख लीजिए ये लॉगिन का है, तो इस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। कैप्चा भी जैसे कैपिटल में स्मॉल में जैसे रहेगा वैसे आपको लिख लेना है। उसके बाद में इसको हटा देना है बैक करके, और उसके बाद ये लॉगिन का बटन है हरे कलर का, इस पर आप क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा। ऊपर में आपका नाम दिया हुआ है, उसके बाद UNN नंबर आपका है 12 अक्षर का, उसके बाद पैन नंबर है, नीचे आपका तीनों जुड़ा रहेगा, तो तीनों में हरा टिक लगा रहेगा, मतलब बैंक पैन और आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हरे कलर में लिखेगा। उसके बाद नीचे है प्लीज सेलेक्ट मेंबर आईडी, अपना सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका एक रहेगा तो एक आएगा, दो रहेगा तो दो आएगा, तो जिसमें से भी आपको चेक करना रहेगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करिएगा तो एक नया बदलाव ये आया है, व्यू पासबुक न्यू ईयरली लिखा हुआ है, और दूसरा क्लेम स्टेटस लिखा हुआ, तीसरा पहले ओल्ड ईयर का भी पासबुक चेक करने का आता था, लेकिन वो ऑप्शन अब हटा दिया है, ये भी बदलाव हुआ है। उसके बाद में न्यू ईयर का आपको चेक करना है, तो मतलब न्यू ईयर का आपको देखना है तो इस पर क्लिक करिएगा, नहीं तो आपको क्लेम स्टेटस भी देखना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक करके आप क्लेम स्टेटस देख सकते हैं। मैं अभी आपको पासबुक डाउनलोड करना बता रहा हूँ, तो व्यू पासबुक जो लिखा उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में आपको आपको जिस भी साल का देखना रहेगा यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको जो भी साल का जो भी ईयर का आपको देखना है, अब जितने साल ड्यूटी के रंग जब से आप ज्वाइनिंग कर रही है रहेंगे वही आपको बताएगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपना। जैसे उनको 18 का देखना है तो क्लिक करके 18 का देख सकते हैं। उसके देख लीजिए ये सब कुछ दिया हुआ है। एक और नया बदलाव भी ये हुआ है, सो आपका मतलब कब जमा हुआ था, पहले ये भी दिखाता था आपका, ये सब दिखाता था, तीन ही ऑप्शन तीन ही बॉक्स रहता था, लेकिन अब ज़्यादा बॉक्स कर दिया गया है। इसमें आपको किस पे टैक्स लगता है वो लगता है सब आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपको पासबुक का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पासबुक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डाउनलोड एक
पर क्लिक कर देना है तो आपकी ये आपके फाइल मैनेजर में ये सेव हो जाएगा। कभी कभी एक बार में डाउनलोड नहीं होता है तो डाउनलोड फाइल पर क्लिक करिएगा, उसके बाद ये आपके फाइल में सेव होगा। इसको क्रॉस करके आप हटा दीजिएगा और ये आपका फाइल में कहाँ पे डाउनलोड हुआ है वो देखने के लिए बैक कर दीजिएगा। बैक कर करके फिर मोबाइल के होम पेज पे आ जाइए और अपना फाइल आप ढूंढ लीजिएगा। देखिए मेरा फाइल ये रहा, इस पर मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं अभी जो डाउनलोड किया है 18 जनवरी 22:32 पर मैंने डाउनलोड किया है, तो इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए मेरा ड्राइव के माध्यम से ओपन करना है, तो ड्राइव पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो आप इसी तरीक़े से आप अपना पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जितना भी रहेगा टोटल अमाउंट वो सारा दिखा देगा, तो जब का आपको देखना है तब का आप देख सकते हैं। तो जूम करके उसके बाद में पहले ये सब ऑप्शन नहीं आता था, अभी ये ऑप्शन है जो नॉन टेक्स्टेबल जो आया है ये वाला ऑप्शन नहीं रहता था, ये सब मरा दिया गया है। तो इसी तरीक़ा से आप अपना चेक करके देख सकते हैं। मेरा ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर बैक कर करके अपने मोबाइल के होम पेज पे आ जाइएगा।